की थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। शर्त पर हुई राहुल की रिहाई। सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल के साथ क्या क्या हुआ। राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच न्यायालय का एक ऐसा ठहराव आया जहां पर लगा कि उनकी यात्रा रुक जाएगी, लेकिन हुआ कुछ और। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को जमानत के बाद राहुल ने 25,000 के दो बॉन्ड भरे। दो लोगों ने उनकी जमानत ली। बता दें कि राहुल के खिलाफ यह मामला 5 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है। इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, खुद राहुल गांधी के वकील से सुनिए। काशी प्रसाद शुक्ल एडवोकेट। मैं बचाव पक्ष की तरफ से राहुल जी की तरफ से आज MPMLA कोर्ट नंबर 15 में मैं उपस्थित हुआ और आज राहुल जी भी आए थे। उनकी जमानत अर्जी की सुनवाई हुई और उनकी जमानत अर्जी जो है मंजूर हुई और जमानतनामे जो है वो दाखिल किए गए। मामला जो है अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है। 25,000 रुपए की दो जमानत और इतनी ही धनराशि के मुचलके पर राहुल जी को रिहा किया गया है। राहुल गांधी के कोर्ट में पेशी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कहा, सुनिए। ये ऑर्गेनाइज भीड़ नहीं था, ये लोग अपने आप आए थे, जुड़ गए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रतापगढ़ में और कल बाबूगंज में जो जन रैली को संबोधित किया हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। अब राहुल गांधी की रिहाई हो गई है और वो न्यायालय से राहत पाकर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जारी रख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये पेपर लीक में क्या हो रहा है। बात समझनी है आप लोगों को, समझनी है। अब 73% ने खैर अब ये केस क्या मोड़ लेता है ये तो कोर्ट के आखिरी फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया।